बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। कराची से उवैस बात कर रहा हूँ, फादर खैरियत से? वालेकुम सलाम, माशाल्लाह। जी जी जी, माशाल्लाह आपको देख के बहुत खुशी हुई और दिल में इत्मीनान हुआ। शुक्र। अच्छा, आवाज में अभी भी वो है, नज़ले के असरात वगैरह है। माशाल्लाह। तो वो मैंने अहलिया से आपके बारे में डिस्कस किया था, तो वो ये कह रही थी कि वो यखनी पियाए ताकि आपकी इम्यूनिटी वगैरह डेवलप हो, और दूसरा ये कि मेरी अहलिया भी बीमार पड़ी हुई है, यहाँ पे भी ये सिलसिला चल रहा है, तो मैं इसमें कयूमी का विद कर रहा था, तो वाइफ के लिए के रूहानी और जिस्मानी इलाज तो किससे करवाऊँ, तो उसमें जो है वो आपका नाम अल्लाह ताला ने डाला है, तो इस बारे में वजाहत फरमा दीजिए, और हजरत मेरे लिए माली खुशहाली के लिए कोई वजीफा हो तो बता दे, उसमें काफी परेशानी है और आपसे दुआओं की दरख्वास्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, अवैस जो है वो कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत है मुझे मालूम है, जिन दिनों में बीमार था मुसलसल आप मेरे रबते में रहे और मेरा हाल पूछते रहे, और ज़ाहिर है कि आप मोहब्बत वालों को तो तशवीश हुई कि भी क्या बीमारी क्या है, मसला क्या हुआ, आप मुझसे सवाल करते रहे कि भई आप अपनी रिपोर्ट्स भेजें क्या मसला है, क्योंकि मुझे पता है आपकी अहलिया भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, इसलिए आप शायद उनसे भी मशा करना चाहते थे कि भाई क्या किया जाए, तो मैंने ये बताया कि यहाँ के डॉक्टर बता रहे कि वायरल है, तो यहाँ पर जो ऐसा वायरस फैल जाता है तो वायरल बुखार बुखार या ऐसी चीज़ें ये 2-4 हफ्ते लेती हैं, तो क्या 3 हफ्ते खैर इन कहते हैं इस वायरल ने लिए हैं, तो यह कि अब कुछ बेहतरी आई है और जो थोड़ा बहुत असर जो महसूस हो रहा है वो अच्छा ही है, आप लोगों को पता चल जाए कि वाकई में बीमारी से उठ के आया हूँ इसलिए उससे अंदाज़ा हो रहा है कि भी वाकई मैं बीमारी था, इसलिए आप लोगों से ज़रा मुनक़ते रहा, बाकी आपकी तजवीज़ का शुक्रिया इंशाल्लाह, और ज़रूर जो मैं दोस्तों से कहूँगा भाई यखनी का इंतज़ाम करें, क्योंकि तजवीज़ भी आपने दी, अब दोस्त यार ही मोहब्बत वाली यखनी बना के पहुँचाएँ, अब वो मौली साहब यखनी भी खुद ही बनाएं ये तो बना नहीं है, हम तो पीने वाले हैं, इसलिए अब देखते हैं कौन मोहब्बत वाला जो है यखनी जो कहते हैं देसी मुर्गे की यखनी बना के पहुँचाता है, अल्लाह आपको बरकत दे खुश रखे, और बाकी भी आप जो इसमें कयूमी वगैरह आप पढ़ रहे हैं मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसकी बरकत अता फरमाए, और माली खुशहाली के लिए आज जो मैंने बताया है इसमें समधी ये आप शुरू कर लें, ये अगर 9,000 नहीं पढ़ सकते तो आप 1,000 रोज़ाना का विर्द शुरू कर लें, या समधी का अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा ये पढ़ के आप अपने माली हालात की खुशहाली की दुआ करते रहें, अगर आज जो भी आपकी दीनी और दुनियावी उसकी दुआ करें इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया।